मैं और मनाहिल ट्विन्स हैं, तो हम दोनों की शक्लें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। 1, 2, 3 गो। मुझे पता चला कि माय एग्जाम्स आर फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है फ्रॉम द मॉर्निंग, जिधर मुझे सुबह सुबह ये पार्सल रिसीव हुआ था। मैंने ये एक क्वाड सेट मंगवाया था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज मुझे मम्मा ने उठाया कि आज मेड जो है वो चाय की रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो प्लीज़ उसके लिए अच्छी सी चाय बना दो। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए चाय बनाई सुबह सुबह। सबसे पहला काम ही मैंने ये किया एंड उनको एंड मम्मा को मैंने सर्व कर दी थी। उसके बाद मैं तैयार हुई एंड यूनिवर्सिटी निकल गई। जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स बिन डेज जिसके बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ एंड आज मैंने ना प्रॉपर एक व्लॉग बनाना था टू जस्ट गिव माय लाइफ अपडेट, क्योंकि मेरी ना मैं कुछ हफ्तों पहले बहुत ज़्यादा फ्री थी, बट अचानक से मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। कुछ मेरी अपनी भी गलतियाँ हैं, तो वो मैं आपको ना अभी आगे चल के व्लॉग में बताऊँगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अभी आई एम रशिंग टू द यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम लोगों ने ना एक स्टडी प्लान बनाया था एंड मुझे लगा कि हम लोग शायद रात में पढ़ेंगे आफ्टर आर क्लास, लेकिन अभी मुझे सर की कॉल आई है कि नहीं, वी आर सिटिंग राइट नाउ। तो मैं अभी दस्ती ना तैयार हुई हूँ एंड आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। तो आपको भी लेके चलते हैं, क्योंकि आजकल ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है। कल भी ऑलमोस्ट 5 घंटे बैठ के हम लोगों ने पढ़ा था। आई एम जस्ट गोइंग टू द यूनिवर्सिटी फॉर नाउ एंड नाश्ता नहीं किया तो मैंने ना अपने लिए केला रख लिया था, तो केला खा लेते हैं रास्ते में एंड पहुँचते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई डोंट नो आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हो एंड ऑल्सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, बिकॉज पूरी की पूरी वीडियो बहुत मज़े की होती है। बीच में ना छोड़ना नहीं होता, पूरी वीडियो देखनी होती है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी यूनिवर्सिटी एंड आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। थोड़ी देर भी है ना, आप अगर एसी वाले रूम या पंखे वाले रूम से बाहर निकलो ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। आजकल आराम से ना 40 अबव टेम्परेचर ऑब्वियसली चल रहा है। हम लोग आजकल ना ग्रुप स्टडी भी कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के, तो मैं सबसे पहले लाइब्रेरी आ गई थी, क्योंकि पढ़ाई शढ़ाई भी करनी होती, मैं तो पढ़ाई बिल्कुल ही भूल गई थी। बट जैसे ही शाम हुई अराउंड 4 या 5 o'clock, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। इतनी तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई थी, प्लस बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। सो आई वॉज ए लिटिल वरीड कि यार मैं क्लास तक कैसे जाऊँ। बट खैर, मैं भीग भी जाती तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रहा था एंड प्लस गर्मी इतनी ज़्यादा, सो ऑब्वियसली डजेंट मैटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी कितनी बुरी हालत हुई हुई है। आई कुडंट इवन स्माइल बिकॉज आई वॉज सो थर्स्टी। खैर, आज मैं क्लास भी जल्दी पहुँच गई थी, क्योंकि सर ने पेपर्स दिखाने थे। ये मिड्स वाले पेपर हैं जो सर खैर अभी दिखा रहे हैं, अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने ना एक और स्टडी सेशन लगाया था आफ्टर क्लास, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8 o'clock या 8:15 तक, यस 8:15 तक मैं जो हूँ यूनिवर्सिटी से निकल रही थी एंड आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम भी बारिश हो रही थी हल्की हल्की एंड बहुत मज़ा आ रहा था। ओके, सो आई गॉट फ्री फ्रॉम द लेक्चर, भी बारिश भी हो रही है, लेट भी हो गया, सो आई एम थिंकिंग टू गो टू मनाहिल्स क्लिनिक। ठीक है, वहाँ पे बस आधा घंटा रहता है, उसको भी छुट्टी हो जाएगी, फिर एक साथ हम घर चलेंगे। बहुत पढ़ाई सीन हो रहा है आजकल वैसे तो, इसीलिए आई एम नॉट एबल टू मेक एनी कॉन्टेंट, मेक एनी वीडियो। अच्छा, प्लस आई वॉन्टेड टू एड अ लिटिल इन्फॉर्मेशन कि इफ़ यू वॉन्ट आप लोग अपनी PRPs एंड जो भी हाइड्रा फेशियल वगैरह होता है, यू कैन गो एंड चेक आउट विद मनाहिल। आई विल शेयर हर इंस्टाग्राम पेज एंड अगर आप लोग पिंडी या इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप लोग इसके क्लिनिक भी आ सकते हैं, जहाँ पे शी इज़ करंटली वर्किंग, इट्स इन लाल कुर्ती। तो कम एंड डू विजिट हर एंड गेट योर गुड सर्विसेज डन। सही है, एंड ऑब्वियसली डेंटिस्ट तो मनाहिल है ही, तो वो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपका कोई भी दांत का प्रॉब्लम है, डू लेट हर नो। खैर, घर आके मैंने एक और ना स्टडी सेशन लगाया था आफ्टर आई हैड माई डिनर एंड यहाँ पे ना बहुत तगड़ी किस्म की पढ़ाई हो रही थी एंड दैट वॉज इट फॉर टूडे। नेक्स्ट मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड रात को मेरे बहुत ज़्यादा लेट सोई थी। रात तो नहीं, सुबह फजर हो गई थी, इसीलिए आई एम नॉट यू नो फुली अवेक। तो हमारे मनाहिल किसी काम से गए थे एंड वहाँ से वापसी में लाए हैं वटा पराठा, तो मैं अभी नाश्ता करने लगी हूँ। मैंने यहाँ पे साथ में रखी है चाय, उबल गई है, निकाल लेते हैं, नाश्ता करते हैं,
फिर पढ़ने बैठते हैं बिकॉज देयर इज़ अ लॉट टू कवर. एंड मैं आपको एक प्रॉब्लम बताती हूँ जो मैं आपके साथ कल यू नो डिस्कस करी थी कि देयर इज समथिंग दैट आई हैव टू टेल, जिसकी वजह से आई हैव बीन पुट इन अ बिग बिग ट्रबल. तो बस मैं नाश्ता करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ व्हाट्स दैट. तो आज है जुम्मा, तो जुम्मे के लिए कपड़े भी निकाल लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे ना ये एक सूट निकाला है, मैंने आई थिंक 2 years बिफोर मैंने ईद पे बनवाया था. इसको प्रेस कर लेंगे इस तरह से है ये सारा, तो इसको प्रेस कर लेंगे, नमाज वमाज पढ़ेंगे. अच्छा, द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल कि मैं ना अभी ज़्यादा व्लॉग्स नहीं कर पा रही काफ़ी टाइम से, जब से मुझे पता चला है कि मेरे एग्ज़ाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे. सही है, ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज बड़ी फ्री थी, बड़ी चिल थी. मुझे मम्मा कहती रही कि रिशा पेपर के लिए पढ़ लो, बट मैं कहती थी नहीं मम्मा, अभी 2 weeks है, आराम से कवर हो जाएगा. एंड द वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे फ्रॉम ईद हॉलीडेज, मतलब संडे के बाद जो मंडे आया था, ये वाला मंडे, मुझे पता चला कि माई एग्ज़ाम्स आर फ्रॉम नेक्स्ट मंडे. तो मेरे पास लिटरली 7 days थे टू प्रिपेयर फॉर माई फाइनल एग्ज़ाम्स, जो अभी तक मैंने पूरा जो है ना प्रिपरेशन नहीं की, जिसकी वजह से ना आई एम वेरी बिजी इन स्टडीज़. तो इसलिए ना मैं सही से कंटेंट नहीं बना पा रही. शायद एग्ज़ाम्स तक मेरे 1 से 2 व्लॉग्स आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे. सो दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल. तो या अभी नमाज की तैयारी कर लेते हैं, नहाना धोना है बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जैसे ही आप एसी ऑफ करो ना, उसके घंटे बाद ना उस कमरे में गर्मी हो जाती है. तो कपड़े प्रेस करते हैं, नहाते हैं और फिर पढ़ने बैठेंगे बिकॉज़ आई कैन नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. अच्छा, वीक के अपना बाकी दिन भी होते हैं, लेकिन मुझे ऑनेस्टली एंड पर्सनली जुम्मे वाले दिन ख़ास तैयार होने का बहुत ज़्यादा शौक़ है. अगर आप लोग मेरे वीडियोस एंड ब्लॉग्स देखते हैं, आपको आइडिया हो ही चुका होगा कि मैं जुम्मे को बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छे से ना रेडी होती हूँ एंड अच्छे से नमाज पढ़ लेती हूँ. खैर, नहाने धोने के बाद मैंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी थी, मैंने आके सोचा कि एक आध लेक्चर ले लेते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि आजकल हालात बहुत बुरे चल रहे हैं. देर इज़ अ लॉट टू कवर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, तो अब बहुत ज़्यादा कुछ कवर करना रह गया. नमाज पढ़ लेते हैं, आज जुम्मा भी है, बहुत ज़्यादा दुरूद पढ़ें आप लोग एंड मुझे भी दुआओं में याद रखें. सो यस, लेट्स गो एंड प्रे. इससे पहले मैं और बातें लटकाऊं. ओके गाइस, अभी हम लोग, मैं जा रही हूँ मनाहिल को ड्रॉप करने के लिए एंड मनाहिल ना बैठी है पीछे. नाउ आस्क मी व्हाई, बिकॉज हमारी गाड़ी के ऊपर ना एक छिपकली घूम रही थी. जब मैंने जैसी गाड़ी निकाली ना गिराज से, तो यहाँ सामने बोनट से ना वो उठ के ऊपर गई है एंड वो जाके ना ये पैसेंजर सीट के ना उस पर खिड़की पे जाके चिपक गई. तो मनाहिल अभी यहाँ बैठी हुई है. तो मनाहिल, जब तुम उतरोगी ना तो काइंडली एक दफ़ा देख लेना कि ये उतर गई है या नहीं. अच्छा, ये ना हो कि मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलूँ तो अंदर आ जाए. तो मैं काम कर रही थी, तेज़ गाड़ी चला तो वो उड़ के चली, पता नहीं हम उड़ के, यार इतनी बड़ी छिपकली थी कसम से, यक. अच्छा, बाय द वे आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, डू यू ऑल थिंक कि मैं और मनाहिल ट्विन्स हैं? बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको लगता है कि मैं और मनाहिल ट्विन्स हैं, वेयर एज हमें नहीं लगता. ऑल दो जब हम लोग शारजा में होते थे तो अ लॉट ऑफ पीपल यूज टू थिंक कि हम दोनों ट्विन्स हैं. इवन एक दफ़ा हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे टू दुबई, हाँ पाकिस्तान से दुबई जा रहे थे, एंड इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे रोका एंड ही सेड कि आप तो अभी यहाँ से गुजरी थी. तो मैंने कहा नहीं, वो मेरी बहन थी शायद. एंड ही सेड कि आप दोनों ट्विन्स हैं. आई वाज लाइक नहीं भाई, मनाहिल मुझसे बड़ी है. मतलब बड़ी तो है ना यार, जो भी है, मैं छोटी हूँ मनाहिल से. तो खैर, डू यू गाइस थिंक मैं उससे बड़ी लगती थी? हाँ, मैं उससे बड़ी लगती थी, जो भी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई विल नॉट लाई. तो डू यू गाइस थिंक मैं और मनाहिल ट्विन्स लगते हैं? बिकॉज वी गॉट दिस अ लॉट. इवन हम लोग ना जब स्कूल से वापस आते थे ना इन शारजा, तो हम लोग लिफ्ट में ऊपर जा रहे होते थे, हमें 2-3 दफ़ा याद है वो आंटी ने, इंडियन आंटी ने हमें बोला था कि यू बोथ लुक ट्विन्स. तो या दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू आस्क, बिकॉज हम दोनों की शक्लें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. सम पीपल से आई लुक लाइक पापा, सम पीपल से आई लुक लाइक मम्मा, बट हम दोनों को सेम पीपल टेल मी एज वेल दैट समटाइम्स आई लुक लाइक पापा. हम दोनों की शक्ल, हम दोनों, चलो पेरेंट्स पे ना थोड़े बहुत
मिलते हैं बट समावी इज टोटली डिफरेंट. एवरीबडी इज लाइक, हां वो मेरी फूफा पे गई है. हां वो सब की कॉपी है. हैं लीली की कॉपी है. हां वो मेरी ना शारजा वाली फूफा की बिल्कुल कॉपी है, क्योंकि वो हमारे मतलब मम्मा पापा या हम दोनों की शक्लों से बिल्कुल डिफरेंट है. प्लस वो ऑल वो बेसिकली वो है भी नहीं हमारी, वो लीली की ही बेटी है जिसको हमने गोद दी है और फिर लीली ने अपनी बेटी हमें दे दी गोद देने को. तो हम दोनों ने हम लोग की फैमिली ना बच्चे स्वॉप किए. आप हमारी बेटी ले लो, हम आपकी बेटी ले लेते हैं. तो बस अभी चलते हैं यार. हम प्रेंग ये चिपकली उतर गई हो यार, ऊपर मजे ले रही होगी. बखैर लेट्स सी यार. मैं प्लीज मजाक के अलावा एक दफा प्लीज देख लेना. अच्छा हाँ हाँ, तुमसे ज्यादा मैं भी हूँ कि कहीं अंदर ना आ जाए. उस स्टेप के ऊपर खड़े होके प्लीज एक दफा चेक कर लेना कि ये चली गई है. जा तो नहीं सकती बट वो साथ में सिक्योरिटी वाले अंकल के ना थोड़े डंडे शंडे मारे ताकि ये हट जाए. मनाहिल देख रही है, पूरा मुआयना करिए गाड़ी का यार, किधर गई छिपकली. आई थिंक घर जाके ना जस्ट गेट जानजे भाई टू चेक द डिग्गी. मुझे डर है डिग्गी में ना घुस गई हो. डिग्गी तो खैर बंद थी. चलो ठीक है मैं देख लेती हूँ. ओके इसमें स्मॉल होल्स होते हैं ना, बाल देखो. ओके अल्लाह हाफिज़ ना. से ना शीशे वीशे तो खैर बंद किए हुए थे, पता नहीं कहाँ से घुस सकती है, लेकिन घर जाके चेक कराते हैं एक दफा कि किधर गई आखिर छिपकली, वो भी एडी वड्डी छिपकली. तौबा, लेट्स गो होम. आई हैव रीच्ड. मुझे समझ नहीं आई मैं वायर कैसे निकलूं, क्योंकि जब मैं ना एक मुड़ी थी ना तो मुझे कुछ गिरता हुआ नजर आया था, बट यार छिपकलियां इतनी पक्की चिपकी हुई होती हैं, उसने कहाँ गिरना है. बट खैर, वन टू थ्री गो. मुझे नजर तो नहीं आ रही. खैर चलते हैं घर. व्हाटएवर. आज ना मैं आप लोगों के साथ ही गिरने वाली थी. तो आज मैं ना आप लोगों को बताती हूँ कि हाउ डू आई मेक माई गोल्ड कॉफ़ी. ठीक है, अभी मैं अपने तो नहीं बना रही, मैं मम्मा को बना के दे रही हूँ. तो देर आर अ फ्यू ऑप्शंस. जिस तरह मैं जो हमें ग्रेटेड कॉफ़ी मिलती है ना, जो नॉर्मल कॉफ़ी होती है जैसे हॉट कॉफ़ी भी बनाते हैं, उससे भी आप कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं, या जो प्री मेड पैकेट्स होते हैं उससे भी आप बना सकते हैं. तो मैं आज प्री मेड पैकेट से बनाऊँगी फॉर मम्मा. तो मैं आपको बताती हूँ विच फ्लेवर डज शी लाइक एंड उसको मैं बनाती कैसी हूँ. लेट्स गो. पहले ना मैंने जो मम्मा के पैकेट्स कॉफ़ी के ना अपने दराज में छुपाए होते हैं, क्योंकि मेरी बहन है ना, वो हम लोग इकट्ठा जब रखते हैं ना कॉफ़ीज़, तो ये लोग भूल जाती हैं किसकी कितनी थी, किसकी कितनी थी, किसकी कितनी रह गई थी, तो ये लोग भी पी लेती हैं. तो मैं अपनी और मम्मा की साइड पर कर देती हूँ और ये लोग फिर अपनी पीती रहती हैं. तो पहले ना दराज से मैं निकाल लेती हूँ मम्मा की कॉफ़ी. मेरी दराज को ना जज मत करना, ठीक है. मुझे पता थोड़ी सी मैसी हुई भी है, लेकिन वो मैं एग्जाम्स के बाद सारी साफ़ कर लूँगी. लेट्स गो इन द किचन. अच्छा, तो यहाँ पे ना जो सबको फ्लेवर पसंद है ना, वो ये हेज़लनट कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद है. अच्छा, हम लोग को ना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता इसका, देयर इज़ जस्ट दिस ऑप्शन कॉफ़ी के लिए. सो आई एम नॉट रियली श्योर कि इसका सब्स्टिट्यूट कहाँ से मिलेगा. सो इन लोगों को तो ये हेज़लनट फ्लेवर बहुत पसंद है, बट मुझे सॉल्टेड कैरमल फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है. मेरा बल्कि डिज़र्ट फेवरेट फ्लेवर भी हो चुका है सॉल्टेड कैरमल आफ्टर चॉकलेट. तो हाँ, तो ये इसको पहले हम लोग डाल देते हैं बोल में. ओके जी, तो मैंने ना कल परसों कॉफ़ी बीन एंड टी लीव से मैंने कॉफ़ी पी थी, तो उसका ना ये मैंने मग सेव कर लिया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो, इसीलिए मैंने इसका मग सेव किया था. क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है एंड इसमें आपको नजर आएगा. यूजुअली जो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ ना, वो इस तरह के स्टील मग्स में बनाती हूँ जिसमें बर्फ और जो कॉफ़ी है ना वो ठंडी रहती है एंड बर्फ एज इट इज़ रहती है फॉर अबाउट गुड 2 आवर्स. सही हो गया. ठीक है, सो दिस इज द रीज़न वाई मैंने ये मग सेव करके रखा था. कॉफ़ी पी के मम्मा जब कॉफ़ी पी लेंगे तो इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँ. सबसे पहले पैकेट डाल लेते हैं इसके अंदर. इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, बाद में गुनगुनाना.
अच्छा, फॉर दिस कॉफी यू डोंट नीड एनी एडेड शुगर. ठीक है, पानी डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू वांट. आपको अगर अपनी डेयरी कंजम्पशन थोड़ी कम चाहिए, जिस तरह मैं अगर डाइट पे हूँ या कुछ हूँ तो मैं अपनी डेयरी कंजम्पशन थोड़ा कम करती हूँ, उसमें मैं ना इतना एक पानी डाल देती हूँ, सही है. बट अभी मम्मा है तो मम्मा को एज सच डेयरी कंजम्पशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे एंड मैं इससे ना इसको अच्छे से बीट कर लूँगी, अच्छे से फ्रॉथी हो जाए ये. मैं इसका फ्रॉथ ज़्यादा इसीलिए नहीं रखती क्योंकि वो फिर जब दूध आता है ना तो ये ऊपर तक आ जाती है कॉफ़ी, तो इसीलिए मैं इसका ज़्यादा फ्रॉथ नहीं रखती, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉथ हो गया. इसके अंदर हम डालेंगे अलॉट ऑफ आइस. इसको ठीक है, आइस डालने के बाद हम डालेंगे अब इसमें फाइनली दूध. इट डिपेंड्स आपको कितना दूध डालना है. ठीक है, मुझे लग रहा है एक कप छोटा पड़ जाएगा तो मैं दूसरा कप मंगवा लेती हूँ, बट खैर दिस इज हाउ इट बेसिकली लुक्स लाइक. थोड़ा मिक्स कर लेंगे, बट आप लोग देख रहे हो इसका फ्रॉथ, आप लोग देख रहे हो दिस इज वेरी वेरी फ्रॉथी. इसको मैं ना दूसरे मग में भी कन्वर्ट कर देती हूँ, बट लेट मी शो यू क्लोजली. सो दिस इज द बिगेस्ट मग आई कुड फाइंड. ठीक है, एंड इसमें ये समावी का मग है प्योरली, इसमें वो पानी पीती है, जो भी उसको पीना होता है वो इसमें पीती है. इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे. दिस इज अ लॉट. अब इसके अंदर मैं ना देसी टोटका दूध डाल के ना एंड इसको मैं मिक्स करूँगी ताकि पूरी की पूरी हमारी कॉफ़ी ज़रा से भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए. एंड पुट इट इन हियर, डिस्कार्ड कर दे. इसमें मैं लास्टली डाल लूँगी एक स्ट्रॉ. सो दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग गया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर. प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.